अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रशांत फाउंडेशन बांट रहा है खुशियों की सौगात, एक और परिवार की खुशियों में लगाए चार चांद, परिवार की दो बेटियों की शादी कर दिया तोहफा, दान दहेज के साथ दिया बेटियों को विदा, बेटियों का घर बसा तो माँ बाप के छलके आंसू। इटावा का प्रशांत फाउंडेशन अब एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। फाउंडेशन के सदस्य उन लोगों की खुशियों का सबब बन रहे हैं जो शायद ही कभी जिंदगी में मुस्कुराने के बारे में सोच पाते हों। लॉकडाउन से लेकर अब तक प्रशांत फाउंडेशन ने तमाम बेटियों का घर बसाया और अब एक बार फिर मैनपुरी के एक परिवार को खुशियों का तोहफा दिया। मंतशा और अलीशा दो बहनों की शादी कर उनके माँ बाप का बोझ तो कम किया ही, साथ ही परिवार को तोहफे में तमाम खुशियां दे दी। मैनपुरी के झिझाई में आसरा कॉलोनी के बी ब्लॉक में रहने वाले मोहम्मद सिराज खान 13 साल से अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं। घर में दो दो जवान बेटियों की शादी की जिम्मेदारी विकलांग पिता के कंधों पर थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनका निकाह किया जाए। ऐसे में इटावा का प्रशांत फाउंडेशन और उसके सदस्य सिराज के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे और देखते ही देखते बेटियों की शादी की चिंता में डूबे सिराज खान और उनकी बेगम फूलबानों की झोली खुशियों की सौगात से भर दी। फूलबानों ने प्रशांत फाउंडेशन के संरक्षक मान सिंह यादव और संस्थापक डॉक्टर रिपुदमन सिंह के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत यादव से मुलाकात की और बेटियों के निकाह में सहयोग की गुहार लगाई थी। गरीब की गुहार पर प्रशांत फाउंडेशन सक्रिय हुआ और अब उस सक्रियता का नजारा आपके सामने है। कोरोना काल में प्रशांत फाउंडेशन के सदस्यों ने अब तक 11 बेटियों का कन्यादान किया है। वैसे तो फाउंडेशन के द्वारा अभी तक हिंदू बेटियों की शादी कराई गई है, ये पहली बार हुआ कि फाउंडेशन एक अलग मिसाल पेश कर मुस्लिम बेटियों के निकाह में भागीदार बना। प्रशांत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बेटियों के निकाह की पूरी तैयारियां की, जिसमें उन्होंने भोजन पानी के साथ बेटियों के जीवन में उपयोग होने वाली सभी जरूरी वस्तुएं भी उपहार के रूप में भेंट की। प्रशांत फाउंडेशन के सदस्यों की माने तो आगे भी गरीबों की मदद का सिलसिला जारी रहेगा और हर गरीब की खुशियों का तोहफा देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।